गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 24th of April और डे है सैटरडे। तो चलिए आज से जो वो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले जो वो हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखना, लार्जेस्ट नंबर लिखना, ग्रुप को जो वो सेपरेट करना, पीरियड्स को सेपरेट करना और उसको जो वो कॉमास लगाना, और वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, नंबर्स में कैसे लिखते हैं। तो वही जो वो यहाँ पे हमने अब प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1.1 में हमने जो वो वही चीज़ जो वो डिस्कस करना है। अगर आपने जो वो वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा होगा तो आपको ये अच्छे से समझ नहीं आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है राइट द न्यूमरल्स सेपरेटिंग द पीरियड्स। ठीक है, अब इसने इतना ही बोला है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हैं उनको सेपरेट करिए सिर्फ। तो हमने सिर्फ इसको सेपरेट करना है, ठीक है, हमने कोई वर्ड्स में जो वो इसको नहीं लिखना है। तो सेपरेट ही करना है, तो बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको जो वो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों आने चाहिए। ज्यादातर हम लोग बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम की ही, ठीक है। तो हमने इसको इंडियन नंबर सिस्टम में ही सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या नंबर लिखा है, 2147875। मैंने इसको कोई वर्ड्स में नहीं पढ़ा, मैंने इसको ऐसे वन वन डिजिट करके पढ़ा, 2147875। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े डिजिट में दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। क्या है, सबसे पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, और 7 है, और 8 है, फिर है 756। तो आपको पता है, अच्छा 6 यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको बताया कि इंडियन नंबर सिस्टम में एक होता है वंस ग्रुप, फिर होता है थाउजेंड ग्रुप, फिर होता है लैक्स वाला ग्रुप, फिर होता है करोड़ वाला ग्रुप। वंस ग्रुप में ही 3 होते हैं, बाकी सब में जो वो 2-2 होते हैं। मतलब कि पहले ग्रुप में 3 आप सेपरेट करिए अलग से, फिर जो वो 78 को अलग से सेपरेट, फिर जो वो 2-2 करके सेपरेट करिए, ठीक है, फिर जो वो यहाँ पे 14 करके जो वो सेपरेट करिए। तो आपने जो वो यहाँ पे जो वो सेपरेट करना है, मतलब कि यहाँ पे आपने कॉमास लगा लेना है, ठीक है। जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में कॉमास लगे हैं, वैसे आपने थोड़ा सा स्पेस देना है। अब देखिए इसको जो वो आपने कैसे लिखना है, तो यहाँ पे 2 जो वो अकेला बच गया, 2 जो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 14 को मैंने स्पेस दे करके जो वो आगे जैसे लिख लिया, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस दे करके मैंने 78 को लिख लिया, फिर जो वो मैंने 756 को जो वो एक साथ लिखा थोड़ा सा बिल्कुल स्पेस दे करके। अगर आप कॉमास लगाओ या ना लगाओ, बीच में जो वो स्पेस दीजिए, फिर आप बाद में कॉमास यहाँ पे लगा सकते हो। स्पेस भी होना चाहिए और कॉमास भी होना चाहिए आपके हर एक क्वेश्चन में। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से करें, पहले क्वेश्चन लिख लें, फिर जो वो आंसर में जो वो कॉमास लगा लें, सेपरेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। तो आपने यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, यहाँ तो आपको जो वो इजी करके ही दिया गया है, आपको जो वो कॉमास लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपने इसको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है। तो ए वंस वाला ग्रुप हो गया, ये जो वो थाउजेंड वाला ग्रुप हो गया, ये जो वो लैक्स वाला ग्रुप हो गया, ए करोड़ वाला ग्रुप हो गया। क्या पढ़ेंगे, 21 करोड़। जो कॉमास के अंदर आएगा, जो अलग ग्रुप में आएगा, उसको एक साथ पढ़ना है। 21 को एक साथ पढ़ लिया, 21 तो नहीं पढ़ा ना, ठीक है। 21 करोड़, 47 ये लैक्स वाला ग्रुप है, 47 लैक्स, और 8 ये अकेला, क्योंकि 0 को नहीं पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे, तो 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 0 पहले होता है तो उसको रीड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 8 किस में ग्रुप में है, 1000 में, 8000 हो गया। आगे क्या है, 375, ठीक है। तो ये बस हो गया, इतना सा तो आपने करना है। तो यहाँ पे आपने जब वो फर्स्ट ए बी सी यहाँ पे आपने आज के लिए करने हैं, और नेक्स्ट आपने जो वो मंडे को ये करने हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, मंडे को भी आपके आपके लिए यही होमवर्क होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं है, वैसे अभी जो वो बिल्कुल कम ही जो वो कंटेंट दिया जा रहा है आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी उनको जो वो होमवर्क नहीं मिल पा रहा है, कई अभी नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनको जो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके जो वो हम अपना जो वो कंटेंट को बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा, अभी जो वो आपके लिए इतना सा ही होमवर्क है। आप आज के लिए जो वो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को कम्प्लीट करिए, थर्ड क्वेश्चन को जो वो मंडे को आप कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।